खानदान से। तंग मेरे खानदान के किस बंदे के लिए तुम रोटियां बना रही हो? कौन सा सुबह दोपहर शाम उनकी खिदमत में लगी है जो तुम तंग आ गई? मुलाजिम नहीं हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे रिश्तेदारों की। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था। होश क्यों नहीं था तुझे? जिस कुत्ते कमीने के सामने तू बंद सवर के खड़ी थी, उसकी नजरों में तेरे लिए जो कुछ था सब दिख रहा था मुझे। खालिद ये क्या तमाशा है? तुम्हारी भाभियां फारिग हैं, मैं नहीं। रोजाना अब्बा जी की आदत के बहाने आ जाती हैं। दो चार घंटे अच्छा खाया पिया मौज की और चल दी। अगर उन्हें अब्बा जी की खिदमत का इतना ही शौक है तो उन्हें अपने घर ले जाएं, खिदमत करें, महीना महीना अपने घर रखें, मुझे कोई इतराज नहीं। अलवीना, अलवीना अब्बा जी की आयादत के लिए आने वालों को रोकना तो मुनासिब नहीं लगता ना। और वैसे भी कौन सा कोई रोज रोज आता है हमारे घर पे? मगर मैं तो फारिग नहीं हूँ ना, बहू तोड़कर किसी की शक्ल भी नहीं देखती सुबह। मजबूरन मुझे ही कंपनी देना पड़ती है और मैं रोज रोज ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारे दोनों भाई और भाभी तो बहुत ही चलाक हैं। जब मकान की तकसीम का मामला था तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अम्मा जी और अब्बा जी का बोझ उठा लेंगे। अम्मा जी जाहिद की तरफ चल जाएंगे और अब्बा जी जाना नहीं चाहते तो। मगर अब हम पे सारी जिम्मेदारी डाल के अपना हिस्सा लेकर वो तो सब कुछ भूल गए। अलवीना अलवीना तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो? देखो किस चीज की कमी है हमारे घर में। हाँ, और वैसे भी बेचारे अब्बा जी और अम्मा जी क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं हमें? बात कमिटमेंट की है खालिद, मैं बस एक हफ्ता और देखूंगी। अब्बा जी की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं उनसे खुद बात करूंगी कि वो आइए। आइए अम्मा जी, आइए। क्या बात है? वो बेटा मैं दानियाल का पता करने आई थी। अम्मा जी अब दानियाल इतना फारिग तो नहीं है ना कि 24 घंटे आपके पास बैठे रहे? पहले ही वो इतना वक्त जाया कर चुका है अपना। अम्मा जी आप मुझे बताइए क्या काम है, क्या काम था आपको दानियाल से? नहीं बेटा कोई खास बात नहीं थी, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुम लोग नाश्ता करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मासी तू तो पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रही है, मुझे भी जानती है और मेरी आदतों को भी जानती है, फिर भी तूने उसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में क्यों नहीं बताया? चौधरी साहब बच्ची है, प्यार से समझाया करें, समझ जाएगी। एक बात मेरी पल्ले से बांध लें, हर औरत ना सुलेखा नहीं होती कि मार खाती जाए। वैसे भी उसे तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, बड़ी नाजुक है, मारा ना करें उसे, प्यार से समझाया करें। अभी 4 दिन तो हुए हैं उसे आए हुए, फिर भी बड़ी अकलमंदी से घर चला रही है। जानता हूँ जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने सामने जुबान चलाने वाली औरत बर्दाश्त नहीं है। उससे कह मुझसे उल्टे सीधे सवाल ना किया करे, जो मैं कहता हूं सुन लिया करे, इसमें खुद भी सुखी रहेगी और मुझे भी सुख से रखेगी। चौधरी साहब बहुत मारा है आपने उसे, जाके मना लेना। और ये मुझसे नहीं होगा मनाना शनाना, अगर मनाना ही होता तो मारता ही क्यों? खैर मैं शहर जा रहा हूं, शाम में वापस आऊंगा, आते हुए उसके लिए एक नया जोड़ा खरीद के लाऊंगा, खुश हो जाएगी। किस जालिम के हाथ लग गई है,
औरत को तो नीलगाय से भी कमतर समझते हैं। नीलगाय से कम कीमत में जो मिल जाती है इन्हें। अल्लाह इस बच्ची की हिफाजत करे। हाँ, दादा जान की तबीयत पहले से बेहतर है। दादा जान तो गांव गए थे ना रूबा से मिलने, फिर क्या हुआ? कोई ऐसी बात तो नहीं हुई वहां जो दानियल भाई आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो दरअसल वहां गांव में रूबा की शादी उसके ताया ने गांव के ही किसी बंदे से कर दी। क्या शादी? माय गॉड, इसी चीज का डर था मुझे। दानियल भाई, इस हादसे के हम भी जिम्मेदार हैं। कम ऑन मिकी, तुम भी मुझ पर ब्लेम कर रहे हो? मैं तो पहले ही जमीर के हाथों मजबूर। हर वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास अंदर ही अंदर काटता रहता है। दानियल भाई, अगर रूबा खुश नहीं है ना तो इस गिल्ट का पेन और बढ़ जाएगा। और आपने मेरी बात मान ली होती तो इस तकलीफ से आप भी नहीं गुजर रहे होते अभी। दानियल, तुम अपना बिजनेस अमेरिका में सेट कर लेना, मैं अमेरिकन नेशनल हूँ। और यहाँ क्या रखा है यार, छोड़ो इस मुल्क को, सिर्फ मसाइल ही मसाइल। कम ऑन सोमी, ये मेरा मुल्क। और यार, बिजनेस में वैसे भी अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपना मुल्क छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाऊं। तो गॉड सेक, ये पेट्रियोटिज्म के भाषण मुझे तो ना दो। हमारी जरूरतें हमारे कारोबार से लिंक हैं, और पैसे के बाद कहां का आराम, कहां का सुकून। निकलो यहां से यार, आंटी अंकल वैसे भी यहां का बिजनेस संभाल ही रहे थे ना, आगे भी वो खुद ही देख लेंगे। दानियाल, बस अब हम मजीद यहाँ नहीं रहेंगे। रूबा खुश है अपने ससुराल में? ले सुन ले, ओ खुश जी खुश, क्या बताऊं पुत्रा मैं तुझे, वो तो महारानी बन के बैठी हुई है। मैंने और सफो ने सोचा कि जाके उससे मिल ही आए, उसकी सुन लो सियाणी की। उसने तो पाई अंदर से जवाब दे दिया कि भाई उनसे कह दो कि रात को आके मिले, कोई दरवाजा नहीं खोला उसने हमारे लिए। बंदा पूछे ये तो इतराज कर रही है, ये किसकी वजह से कर रही है? पर अपनी औकात तो बारी हो गई है ना। मैंने तो हमें खुदा का खौफ खा के तरस खा के कि चलो बेचारी नमानी का ब्याह करा दूं ताकि ऐशो इशरत करे। पर बाबा बड़ी चलाक मां की थी है, उसने अपनी असलियत वहा के छड़ी। हाँ ना, उसके बाद तो वो आई नहीं, बस एक बार मुकलावे पे आई थी, फिर तो आई नहीं वो। ये कैसे हो सकता, रूबा इतनी एहसान फरामोश तो नहीं के? ना तो क्या तुम्हारा मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं? वो ऐसी है चुड़ैल माँ की थी, बंदा पूछे वो नहीं मिलना चाहती तो ना मिले, हम कौन सा उससे मिलने के लिए मरते जा रहे हैं। फिकर ना करे, मैंने भी अपनी सफो के ब्याह पे ना उसको कोई नहीं बुलाना। क्या बात है कुलसुम, मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप परेशान और गुमसुम बैठी। अजीज साहब, मुझे आपकी बीमारी की वजह मालूम हो गई। क्या वजह हो सकती है? वही वजह जिसने आपको बिस्तर पर लिटा दिया है, और वही दुख जिसकी वजह से आपकी हालत हो गई है।
आपको किसने बताया? मैंने खुद अपने कानों से अलवीना की बातें सुनी है। आप सुबह कह रहे थे ना कि हमारी औरत खुद गर्ज मतलब ही है और दुनिया परस्त हो गई है, इसीलिए तो हम अब उनकी आंखों में चुभने लगे। कुलथून, तुम तो जानती हो कि हाँ, अब जान गई हूं। हमारी दौलत की तकसीम के साथ साथ उन्होंने हम दोनों को भी तकसीम करने के पक्के कागज बनवा लिए थे। खालिद के पास अगर हम लोग रहे और थोड़े दिनों बाद वो हमें ना बर्दाश्त कर सके तो हम जाहिद के पास चले जाएंगे, और जाहिद ने जिस रोज तंगी और बेजारी महसूस की तो हम आबिद के पास चले जाएंगे, और जब वहां भी हमारे लिए गुंजाइश नहीं रहेगी तो फिर आपको ये किसने बताया है? मैं खुद अपने कानों से सुनकर आई हूँ, और आपने भी सुना होगा ना, ये भी तो अपने दिल को संभाल नहीं सके, मुझे कमजोर दिल कहते थे ना, मैं तो आपसे बहादुर हूँ। वाकई वाकई आप बहुत बहादुर हैं कुलथून। मैं तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो रिज्क रोटी हमारे मुकद्दर में लिखी है वो हमें कहीं ना कहीं से मिलती रहे, और अगर जिंदगी के आखिरी हिस्से में हमारी किस्मत में जिल्लत लिखी है तो मैं किस्मत पर शाकिर हूं। क्यों क्यों जिल्लत पर शाकिर होंगे हम? सारी उम्र हमने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को खिलाया, खुद आधी रोटी का ही उनको पूरा खिलाया, अपनी जवानी की ख्वाहिश बुढ़ापे के ताक पर सजा ली, लेकिन उम्मीद ना खोई, और अब आप कहते हैं कि उम्मीद खत्म कर दूं। हम दोनों अब अलग अलग रहेंगे क्यों? अगर वो हम दोनों को इकट्ठा नहीं रख सकते तो हमें भी उनके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, हम नहीं रहेंगे। सांसों का रिश्ता है वो, सांसों से उलझा ना करो, सांसों से उलझा ना करो। बड़ी बात है, आज इतने दिनों के बाद देवर साहब को अपनी बहन से मिलने का ख्याल आ गया। मैं तो मिलना चाहता था, मगर मुझे सुनने में आया था कि अरूबा किसी से मिलती नहीं। अच्छा, लेकिन मेरी तरफ से तो उसे कोई पाबंदी नहीं, मुकम्मल आजादी है उसे, जहां चाहे जिससे मिले उसकी मर्जी है। बल्कि मैंने तो उससे कहा है कि चलो शहर लेके चलता हूँ, नाना नानी के पास, मामू मुआनी के पास, लेकिन लगता है उसे घूमने फिरने का शौक नहीं है, और यही सबसे अच्छा शौक है। ये जो अच्छी औरतें होती है ना, ये अपने घर गृहस्थी का ख्याल रखती हैं, अपने शोहरों का ख्याल रखती हैं, घूमती फिरती नहीं है। घूमने फिरने का शौक होता है आवारा औरतों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरूबा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, दादी अम्मा ताया ताई सफिया सब ठीक है ना? वो लोग मुझसे मिलने नहीं आए। ताई तो कह रही थी कि हम मिलने गए थे अरूबा से, लेकिन वो ही नहीं मिली। अरे नहीं तो वो तो, अरे मलका रानी, भाई आया है, कोई खातिर मदारात नहीं होगी उसकी। नहीं नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। मर्जी है, घर जाके ये मत कहना कि बहन के घर जाके पानी तक नहीं पिया। फिक्र नहीं करें, मैं इस तरह की फजूल बातें नहीं करता। अच्छा करते, बहुत अच्छा करते। लो जी, मेरा तो इस्लामाबाद से फोन आ गया।
मैंने कहा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बड़ा ख्याल करता है मेरा, कोई बात नहीं टालता मेरी। तुम्हें भी कभी कोई काम हो ना तो मुझे बता, सारे काम हो जाएंगे। चौधरी कमाल नाम है मेरा, सारे काम हो जाएंगे। आप दोनों बैठ कर बातें करो, मैं फोन सुन कर आता हूं। हाँ बोल। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूं। वाकई? वाकई क्यों? मैं आपको मलका साहिबा नहीं लग रही क्या? तुमको मुझे हमेशा से मलका बेगम लगती थी। बेटा ये आपकी बहन का घर है, खैर खैरियत मालूम करने आते जाते रहा करो। लड़की के मैके के घर से आते जाते रहे ना तो मर्द पे बड़ा रोब पड़ता है, इज्जत रहती है उसकी। क्या मतलब है आपका, खुलकर बात करें। तुम्हारी बहन अभी बहुत छोटी है, ख्याल रखा करो उसका। क्या कोई मसला है? मसला तो कोई नहीं है, बस आते रहा करो। मुझे एक बात बताइएगा, क्या ताई उससे मिलने आई थी? आई थी बेटा, लेकिन ये बात किसी को ना बताना। चौधरी कमाल ने ना रूबा से मिलने नहीं दिया उन्हें। कौन सा कारोबार है जो सिर्फ रात में होता है दिन में नहीं? मैं बिजनेस तो नहीं जानता लेकिन वैसे बहुत कुछ जानता हूं। आप कुछ नहीं जानते, आपने जिंदगी भर ऑफिस में कागजों का पेट भरा और बस। तुझे तेरे रिश्तेदारों से मिलावा के लाता हूं, मैं भी तो देखूं तेरे रिश्तेदार हैं कैसे। क्या फायदा, हम जाएंगे तो फिर वो भी आएंगे। हां ठीक कह रही है तू। धड़कने जिनसे ना करो बहता।